मौत का वल्लाह ही कुछ पता नहीं है, आज रात को लिखी है, कल लिखी है, परसों लिखी है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि मेरा एक क्लास थी, हलका था, मैं जीना ही लेता था। मैं जब अगले दिन गया तो एक माँ रोती भी आई, मुझे पर्ची दी उन्होंने, तो उस पर्ची में लिखा था, बेटा आपकी पिछली क्लास में मेरा बेटा मौजूद था, उसने वो लेक्चर सुना था, लेकिन वो इस क्लास में, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। वल्लाह हमें से कौन शख्स है जो आज जिंदा है और अगली क्लास में हम से जिंदा ना हो। हमें कुछ गारंटी है कि हम जब अपने घर को छोड़ के आए, हमने कभी वापस भी जाना? वो जो शख्स थे जिनको हमने कल दफनाया, उनको पता था कि मैं जो अभी घर में दाखिल हो रहा हूं, मैं इसके बाद यहां से जिंदा कभी बाहर नहीं जाऊंगा, मेरी मैयत निकलेगी यहां से? कभी इल्म था उनको? अगर इल्म होता तो बंदा पहले ही अपना सारा अपना माल सदका कर देता। किसी को इल्म नहीं है इस बात का, किसी को नॉलेज नहीं है इस बात का। मौत अचानक से आती है, और उलमा कहते हैं, पीपल आर स्लीपिंग, दे विल वेक अप एंड दे डाई। इंसान अंधों की तरह सो रहा है, और जब मौत आई ना, तब उसको होश आएगा, ओ तेरी खैर, ये मैंने क्या कर दिया। कितने दोस्त हैं मेरे जो मैं जानता हूँ, और आप लोग जानते होंगे लोगों को जो मर चुके हैं जिंदगी। और जब जैसी मौत आ गई ना, फिर इम्तिहान ख़त्म। अब जो किया है ना, उस पर ट्रीट किए जाओगे, या VIP ट्रीटमेंट मिलेगा अगर अमाल करके आयो, या बेदर्दी से मारा जाएगा, फरिश्ते मारेंगे। अल मलाइका तो यद्रिबूना वुजूहहुम वअदबारहुम, मलाइका मारेंगे कि तू रब का बागी था, तुझे रब ने इतनी नेमतें दी, इतना कुछ समझाया बार बार, कितने तूने नसीहतें अटेंड की, कितने तूने तुझे मौका मिले चेंज होने के, तू नहीं चेंज हुआ, तूने कहता चलो कल कल परसों कुछ दिन बाद कुछ टाइम बाद, वो टाइम कभी नहीं आया, अब तू कब्र में आ गया। आज जो कब्रों में लोग हैं ना, वो एक दिन कहते थे कि हम कल से नमाज शुरू करेंगे, ऐसे लोगों में से मत बने जो कहते हैं हम कल से शुरू करें, आज से इरादा करें और तौबा करें। अल्लाह ताला इतने माफ़ करने वाले हैं, हदीस में आता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल ला ज़म्बला, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसे इसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। सहाबा से पूछा कि ऐ सहाबा बताएं सबसे कुरान की अजीम आयत कौन सी है, उन्होंने कहा आयतुल कुर्सी। अच्छा फला कुरान की ये वाली आयत कौन सी, उन्होंने कहा ये। उन्होंने कहा जब पूछा गया होप की आयत कौन सी है कुरान की सबसे होप वाली, तो उन्होंने कहा कुल या इबादी लदीना असरफू अला अनफुसहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ। ए नबी मेरे लोगों से, मेरे बंदों से कह दें जिन्होंने अपने आप पे जुल्म किया है गुनाह कर करके, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी नौबिद नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूबा जमीअ, अल्लाह तो तमाम के तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं। तुम आने वाले तो बनो, रब्बुल आलमीन जो कि मालिक है, बादशाह है, शहनशाह है, रोज़ाना रात को आते हैं आसमान दुनिया पे और कहते हैं कोई है तौबा करने वाला, मैं उससे गुनाह माफ़ कर दूँ, कोई है मांगने वाला, उसमें दुआ कबूल करूँ। तो फैसला करें, फैसले के बगैर ना उठें, दिल में फैसला करें कि यार बस आज से बाद इंशाल्लाह मैं ज़िंदगी ऐसी गुजारूंगा ना। इमेजिन आपको डॉक्टर कहते कि आपके पास 6 महीने रह गए जिंदा रहने को, वो फॉर श्योर कहते आपके पास अगले 6 महीने जिंदा रहने को, आपकी उसके बाद मौत हो जाएगी, क्या कल से आपकी ज़िंदगी सेम होगी? नहीं। एक डॉक्टर की बात तो हम मान के ज़िंदगी चेंज कर देते हैं, लेकिन रब कहते हैं कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तुम्हें मौत आने वाली है तैयारी कर लो, हम कहते हैं नहीं आपकी बात पे यकीन नहीं है।